आपकी पार्टी का एक कैंपेन चला हुआ है विपक्ष आपके सामने, उसमें ना आप दिख रहे हैं ना आपकी पार्टी के जो आपके कार्यकर्ता हैं वो दिख रहे हैं, क्या कह रहे हैं? देखो मुझे तो इसके बारे में मालूम नहीं है, ना मुझे बुलाया गया है, और ये शायद CLP की ओर से इन्होंने कार्यक्रम रखा है तो ठीक है, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों की बात सुन रहे हैं। मैम आप आए, आप अध्यक्ष बने, उसके बाद संगठन की बात हुई, तमाम बैठकें हुई, लेकिन अभी तक संगठन नहीं खड़ा हुआ। हाँ वो बैठकें चल रही हैं, अभी चल रही हैं। कब तक उम्मीद है मैम? देखो होना चाहिए, जल्दी बन गया। किसानों को बुलाया नहीं गया तो क्या कहना चाहिए? तो आप देख रहे हैं पहले एक दिखावा सा था बुलाने का, कई दौर बुलाए लेकिन करने की मंशा नहीं थी, वरना जब इनसे बातचीत हो रही थी तब इस मसले का हल किया जा सकता था। तीनों कृषि कानून की भी बात थी और जो किसान और भी मुद्दों को लेकर बैठे हुए हैं, अगर उन बातों पर उस समय चर्चा हो जाती तो शायद जो इतने किसानों की जान गई है वो बच सकते थे, इतने लोगों की शहादत ना होती। बहुत सी बातें हैं जिन पर डिस्कशन होना चाहिए था, और हमें लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी को जब उन्होंने देश के सामने खेत प्रकट किया, देशवासियों से माफ़ी मांगी, तो उन किसानों के परिवारों से भी जिनकी जान गई है उनसे भी माफ़ी मांगते तो अच्छा रहता। देखो JJP का कोई आधार रहा नहीं है, जब से इन्होंने सरकार में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट मांग कर और सरकार में शामिल होने का फैसला लिया, इनका आधार उसी दिन खत्म। संगठन को लेकर मैं यूथ की कांग्रेस की चुनाव अगर बात करें तो खत्म हुए हैं, अभी आगे प्रदेश अध्यक्ष और भी टीम के लिए चुनाव होने बाकी हैं, तो दीपेंद्र हुड्डा का लगातार नाम हुड्डा गुट के द्वारा आगे किया जा रहा था, तो आपको क्या लगता है कि देखो ये सब चीज़ें हैं, पार्टी का मामला होता है, मेंबरशिप पहले भी होती रही है और अब भी होंगी, हमने पार्टी को नीचे मजबूती देनी है, पद की जहाँ तक बात है वो जहाँ एक और चुनाव की बात होती है दूसरी ओर हाईकमान का भी इसमें फैसला होता है, बहुत सी बातें हैं, समय पर हाईकमान उचित फैसला। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मैम ये कह रहे हैं कि यूथ कांग्रेस की तरह चुनाव होना चाहिए, अब तो देखो किसी के कहने या ना कहने से नहीं है, जो पार्टी की एक प्रक्रिया है वो पूरे देश भर में फॉलो। नहीं गुटबाजी का तो असर दिख रहा है, एक चीज को आप 50 बार मत पूछो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।